यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चुनाव पास आते ही उम्मीदवारों ने पूर्व पार्षदों पर भी तंज कसने शुरू कर दिए। रोहतक के वार्ड नंबर 10 से पार्षद उम्मीदवार राहुल देसवाल ने भी पिछले बार जीते पार्षद पर निशाना साधा और अपनी जीत का दावा किया। वार्ड नंबर 10 के युवा उम्मीदवार राहुल देसवाल गांव बलियाना पहुंचे, जहां गांव के निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद ने विकास पर ध्यान दिया होता तो आज वार्ड में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं होती। यहाँ के लोगों ने भी माना कि विकास में काफी कमी रह गई है, जिसे पूरा करने की उम्मीद वो आने वाले पार्षद और मेयर से कर सकते हैं। उनका समर्थन कर रहा है, सारे काम ने बस नहीं सोच लिए और समस्या तो ये बन लेगा जब पूरी होगी। बाकी इनके सिवाय मेरे ख्याल से कोई इनका समाधान नहीं कर सकता, और पूरे ही वार्ड में चाहे गाँव बलियाना हो, चाहे खेड़ी हो, चाहे परावर हो, चाहे कनैली हो, गड्ढी माजरा हो या हमारा ओमेक सिटी हो, पूरे वार्ड में राहुल की धूम है। और मेरे ख्याल से ये इलेक्शन एक तरफा बन चुका है अब, और राहुल भाई बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। अपना पूरा समर्थन देते हैं, तन मन धन से उसका स्वागत करते हैं और उसको पूरा समर्थन देते हैं। उम्मीदवार मिल रहे समर्थन से गदगद हैं, लेकिन आखिरी फैसला 19 दिसंबर को होगा। रोहतक से सूरज दोहन की रिपोर्ट।